इस पपी को हमने रेस्क्यू किया है भनाड़ा शाहपुर से। इसको एक स्किन कंडीशन था जिसके लिए हमने हमारी टीम को ट्रीडॉन स्ट्रीट पे भेजा था, लेकिन जब डॉक्टर वापस आए तो उन्होंने सजेस्ट किया कि इस पपी को हमें ले लेना चाहिए ताकि उसका ट्रीटमेंट हम सही से यहाँ कर सकें। ट्रीडॉन स्ट्रीट में करने में उसकी कभी पपी मिले ना मिले उससे उसका ट्रीटमेंट डिले भी हो सकता है, और वो काफ़ी नाजुक कंडीशन में है, उसकी स्किन भी काफ़ी बाल कम्प्लीटली झड़े हुए हैं उसके, और जब वो पूरी तरह से रिकवर हो जाएगा उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि अगर उसे अडॉप्शन पर डालना है या फिर से रिलीज कर देना है। हमारे पास अभी लोग कम रहा है कि भी छुट्टी है आज, फीडिंग में हेल्प करनी पड़ेगी, तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम आज करना पड़ेगा ना। डॉक्टर गुलशन, हमारी कल की सर्जरी के लिए पूरी तैयारी हो गई, मतलब गॉर्ज और ये सब? ये तो हाँ। आज हमारे पास स्टाफ थोड़ा कम है क्योंकि मोस्टली लोग या तो छुट्टी पर हैं या तो फिर किसी न किसी काम की वजह से हम लोगों को उन्हें बाहर भेजना पड़ा है, जैसे कि हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल अभी ट्रीटमेंट स्ट्रीट पे गए हैं, रविंदर जी एज यूजुअल पालमपुर हॉस्पिटल विजिट पे गए हैं हमारे डॉग्स को लेकर। अखरोट का अडॉप्शन हमारे ही एरिया से करीब में ही हुआ था, खनियारा धर्मशाला में। तो कबीर जिसने अखरोट को अडॉप्ट किया था हमसे, वो अभी अखरोट को अपने साथ ले आए थे पीपल फार्म ताकि वो पूरी टीम से मिल सके। लोकल अडॉप्शन हम इसीलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि इस तरीके से हम हमारे डॉग पे एक चेक भी रख सकते हैं और उनके अडॉप्टर्स जो है यहाँ पे आके विजिट भी कर सकते हैं, कभी भी उसकी मेडिकेशन, उसकी जो वैक्सीनेशन है वो अगर करवानी हो तो वो ईजिली एक्सेसिबल भी है, और हमें हमारे अडॉप्टेड डॉग्स को मिलने का मौका भी मिल जाता है। अगर आप अडॉप्ट करना चाहते हैं तो अपने सबसे नज़दीकी ऑर्गेनाइजेशन से अडॉप्ट करें। वैसे हम और अखरोट दोनों ही बहुत लकी निकले कि हमें कबीर जैसे अडॉप्टर मिले जिसने एक बूढ़े डॉग को एक सेकंड चांस दिया, उसको एक नई जिंदगी दी। मगर आगे बढ़ने से पहले ये बात लोगों तक पहुंचाने के लिए, हमारे काम से लोगों को जोड़ने के लिए, और सबसे अहम बात लोगों को ये याद दिलाने के लिए कि जानवरों को भी दर्द होता है भैया, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। शुभम ने जब इसको देखा तब उसने मुझे इन्फॉर्म किया था, अब जब हमने इसको पकड़ा तब देखा कि ऊपर पूरा डेड स्किन बन चुका था बहुत बुरी तरीके से, खड़ी भी नहीं हो पा रही। अभी सर हम लोग उसके डाइट पे ध्यान दे रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, है ना, जो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स जाने चाहिए वो दे रहे हैं, उसके अलावा प्रोटीन वगैरह का भी ध्यान रखते हैं। बहुत वीक थी तो इसकी डेड स्किन निकली, डेड स्किन निकली, बहुत स्मेल आ रही थी इसके शरीर से, मतलब स्मेल किस चीज़ की थी सर? ये स्किन कंडीशंस होते हैं ना, तो कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, ये जब आई थी तब बहुत ज़्यादा स्मेल थी, अभी तो फिर हमने रेड बाथ और मेडिकेटेड बाथ शुरू कर दिया। ओल्ड सॉक्स स्मेल, ओके, तो उसका मतलब होता है कि ये फंगल इन्फेक्शन है। हमने जब स्किन टेस्ट किया था तब सर ने बताया था कि इसको सिंपल डर्मेटाइटिस है, लेकिन काफी टाइम पुराना था, काफी टाइम। अभी इम्प्रूवमेंट है, अभी तो सिर्फ स्किन जो डेड स्किन है वो रिमूव हुआ है। तो जब तक ये वेट गेन नहीं करती। हाँ। बाप रे, ये जो गोट आई थी वो उसको मस्टाइटिस का इशू था, जो कि अनहाइजीनिक कंडीशंस में आप पेट्स को रखेंगे तो लार्ज एनिमल या फिर गोट कैटल्स में हो सकता है। मस्टाइटिस के ट्रीटमेंट के दौरान बीच में जब वो लोग आए तब उसका हॉर्न भी एक टूटा हुआ था, उनको भी नहीं पता था कि ये सिंक टूटा कैसे, सिंक को वहाँ से तोड़ देना, जितना हिस्सा उसका अटका हुआ था उसको तोड़ देने से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती थी, इस वजह से हमने प्रेफर किया कि हम इसे सूचर अभी कर देते हैं, सूचर से जो एरिया है वो हील होगा और जो ऊपरी हिस्सा जो टूट चुका था वो अपने आप झड़ जाता वहाँ से, इसलिए हमने सूचरिंग करना प्रेफर किया। बहुत हद तक वो ठीक भी हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने अपना डिसकंटिन्यू कर दिया, यहाँ पर आना ट्रीटमेंट वगैरह हुई नहीं। अब मुझे उन्हें कॉल करके ट्रीटमेंट कंटिन्यू करने के लिए उन्हें वापस बुलाना होगा। हुगली को हमने जब रेस्क्यू किया था तब उसके पिछले पैर में एक इंजरी हुई थी एक्सीडेंट की वजह से, उसके लिए हमें डॉक्टर्स ने बताया था कि उसको सर्जरी की ज़रूरत है, और वो सर्जरी भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, 5 घंटे की सर्जरी उन्होंने बताई थी हमें, लेकिन कोविड की वजह से उसकी सर्जरी पोस्टपोन होती रही। डॉग यहाँ पर बहुत स्ट्रेस में रह रही थी और इस वजह से वो पैर नीचे रखती ही नहीं थी। उसका सिचुएशन देखते हुए हमने डिसाइड किया कि हम उसको वापस उसके एरिया में रिलीज करेंगे, और जब हमें सर्जरी की डेट मिल जाएगी हम उसे लेकर जाएंगे पालमपुर। लेकिन अपने एरिया में वापस जाने के बाद स्ट्रेस थोड़ा सा उसका कम हुआ, उसके केयरटेकर जितने अच्छे थे उन्होंने पूरी दवाइयाँ उसे टाइम से दी, और अच्छा बेड रेस्ट मिलने की वजह से उसका बोन अपने आप हील हो गया, मतलब जो कैलस होता है वो फॉर्म हो गया सही तरीके से, और अभी उसके चारों पैर पूरे ठीक है, वो अच्छे से यूज़ कर पाती है और उसको कोई पेन भी नहीं है। नूरपुर से जो हमारे पास एक पपी रेस्क्यू होकर आई थी, उसे एक्सीडेंटल ट्रॉमा हुआ था, एक गाड़ी उसके सीधा सर पे हिट कर जाने की वजह से उसको हेड में इंटरनल इंजरी हो गई थी, वो शॉक में थी बेसिकली। हम उसके स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए और ओवरऑल उसके बॉडी पेन को कम करने के लिए मेडिकेशंस दे रहे थे, लेकिन उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी और बहुत ट्राई करने के बावजूद हम उसे बचा नहीं पाए। अभी हम दो एनिमल्स हमारे रिलीज़ करने जा रहे हैं, गोपा और टिंटिन। इन दोनों के लिए हमें एक ही पर्सन ने कॉल किया था, रविंदर जी जो कि कांगड़ा से हैं। गोपा को हमने रेस्क्यू किया था, उसके पेट में एक बहुत बड़ा ओपन वुंड था, और जब हमने
टिनटिन को रेस्क्यू किया था, उसके नेक में एक बहुत बड़ा ओपन वुंड था। अभी दोनों बिल्कुल ठीक हैं, पूरी तरीके से स्वस्थ हो गए हैं, इसलिए अब हम उन्हें वापस रिलीज करने जा रहे हैं। एक और केस जो रिव्यू करना था, जो मैं लॉग्स में देख रहा था, वो था जो रानी दाल से है। उसका भी ऐसे था कि जब फोटोज भेजी गई थी ना उस केस के लिए, तब उसका कंडीशन थोड़ा सीरियस था और उस टाइम पे भी सलोनी ने मना ही किया था, लेकिन वो पर्सन भी बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे थे और जगह अभी बन गई थी। तब फिर सलोनी ने बोला कि ठीक है, हम इसको यहाँ बुलवा लेते हैं। जब वो यहाँ पे आया तो जैसे कि मैंने उस टाइम पे उनसे क्वेश्चन किया कि ट्रीटमेंट तो वहाँ पे भी पॉसिबल था, तो उन्होंने बोला हाँ हमने ट्रीटमेंट शुरू किया 4 दिन पहले और उसका इम्प्रूवमेंट भी दिखाना, क्योंकि शरीर के ऊपर के बाल आ गए थे। और जब सलोनी से उन्होंने बात की थी तो उन्होंने बोला कि मैं सारा ट्रीटमेंट करा चुका हूँ, कुछ भी असर नहीं कर रहा है। अब उनका कहना है कि नियोमा मुझे अभी डॉक्टर ने बताई, पहले जितने डॉक्टर थे उन्होंने सजेस्ट नहीं किया, लेकिन स्किन डिजीज का तो फर्स्ट ट्रीटमेंट, बेसिक ट्रीटमेंट नियोमैक और आइवरमेक्टिन से ही होता है। एक चीज है, आइवरमेक्टिन डोजेज के हिसाब से देनी होती है, हाँ। नहीं तो वो पॉइजनस हो जाती है। तो ये बात थी, उन्होंने भी थोड़ा सा गुमराह किया और उसके बाद फिर वो यहाँ ले ही आए थे। ट्रीटमेंट कुछ टाइम का ही है क्योंकि उसको पोडोडर्माटाइटिस है, जो कि पंजों पे सबसे ज्यादा असर करता है, फंगल इन्फेक्शन है, तो ठीक हो जाएगा, तो फिर हम उसको वापस खुद ही आकर वही ट्रीटमेंट चल रहा है। बेसिक वही आइवरमेक्टिन मेडिकेटेड बात, वो खुद आएंगे और लेके जाएंगे। अब केसेस में हम डिस्क्रिमिनेट इसलिए करते हैं कि हमें होता है कि भाई जो इसकी हमारे पास लिमिटेड स्पेस है और जानवर बहुत ज़्यादा इंजर होते हैं, तो जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबको ज़रूरी है पर कईयों को इमीडिएट असिस्टेंस चाहिए होती है, तो हम उनको लाएँ और हमारी जो स्पेस है लाइक अम्बिलिकल हर्निया या जो स्किन केसेस जो घर में हैंडल किए जा सकते हैं उनसे ब्लॉक ना हो, क्योंकि स्किन केसेस सर लंबा समय भी बहुत ले लेते हैं ना। जैसे अब कायनात थी, उसका ट्रीटमेंट हालांकि वहाँ पे किया जा सकता था और वो बहुत लंबा समय हो गया उसको यहाँ रहते, हालांकि वो ठीक भी हो गई पूरी, क्योंकि ट्रीटेबल है ना ये डिजीजेस, और बाहर ये इससे आधे समय में ठीक हो जाता, क्योंकि तनाव कम होता, स्ट्रेस कम होता, राइट। हमारी जो ये छोटी सी बच्ची अडॉप्ट हुई थी, इसका नाम टोस्ट है, अडॉप्ट हुए करीबन 5 दिन हो गए थे, लेकिन उसके अडॉप्टर का मुझे कल कॉल आया कि उन्होंने इसके फर से एक एलर्जी डेवलप कर दी है, वो एनिमल फर के अराउंड नहीं रह सकती और उसके वजह से वो अभी फिलहाल के लिए किसी भी एनिमल को घर पे नहीं रख सकती है, तो अनफॉर्चुनेटली इसे वापस आना पड़ा हमारे पास। एनिमल फर से एलर्जी होना वैसे आम बात है, अगर आप अडॉप्ट करने का सोच रहे हैं तो एक बार बस चेक कर लीजिए कि आपको कहीं फर एलर्जी तो नहीं है। हालांकि इसके अडॉप्टर से जब मैंने की थी तो उन्होंने पहले भी कैट्स रखी है, लेकिन फर एलर्जी जो है वो ओवर टाइम भी डेवलप हो सकती है और उसे कई कारण होते हैं, तो अगर आप अडॉप्ट कर रहे हैं किसी एनिमल को तो एडवाइजेबल होगा कि आप एक बार चेक कर लीजिए, और आपको पता चल सकता है अगर आप किसी रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन में या किसी शेल्टर में जा रहे हैं अगर अडॉप्ट करने, तो वहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, हो सकता है कि वहाँ पर ही आपको पता चल जाए कि आपको फर से कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, क्योंकि एलर्जी जो है वो तुरंत ही दिखने लग जाती है, अगर उस समय नहीं तो उसी दिन में कभी ना कभी। टोस्ट अभी भी अडॉप्शन पे है, अगर आप में से कोई इसको अडॉप्ट करना चाहता है तो प्लीज़ हमारे अडॉप्शन लाइन पे कॉल करिए। गई कांगड़ा? हाँ जी, कल उसको मैं कुछ रिलीज करना ही पड़ा। एंड अष्टमी? अष्टमी बेटर है, कोई स्ट्रेस का साइन मेरे को नहीं दिखा है बहुत ज्यादा, तो अभी वो बाकी जानवरों के साथ गुल मुल मिल के रहती है, सरगम के साथ सब रहता है, मेरे रहता है हाँ, तो मुझे आदत ही है। सरगम बंदा क्यों हुआ है? सरगम को मैंने खाने के नाम से बनवाया था, ये बहुत खा लेता है एंड फिर ये इसका पेट फूल जाता है। सरगम और ये अष्टमी खड़ा और वो पीछे टोफू, इन तीनों का गैंग टाइप है। तो गोपा को हमको रिलीज इसलिए करना पड़ा भाई, वो तो हेल्दी काउ थी, उसको तो हम रख नहीं सकते, हम लोग गौशाला नहीं है, कायदे से हमें अष्टमी को भी साथ ही रिलीज कर देना चाहिए था, पर ये थोड़ा एक इमोशनल डिसीजन हो गया कि वो बीमार रहता है बच्चा और उसको अब सर्दियों में सड़क पर छोड़ दो तो उसका मरना निश्चित था। यहाँ पर उसका मरना 50-50% है क्योंकि इसका इन्फेक्शन क्लियर नहीं हो रहा। मैं नहीं, ये सर सीजनल है ना, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन होता है तब उसको इंटरनल इश्यूज, क्योंकि साइनस जैसा जो इशू होता है ना वो वेदर के हिसाब से वापस आ जाता है, तो ये प्रॉब्लम उसको होनी थी। तो होपफुली मार्च में स्प्रिंग आते ही इसकी ये थोड़ा जैसे वेदर खुलता है ये बेहतर फील करेगा, अब धूपें तो पड़ना शुरू हो गई हैं, पर आई थिंक इसके बाद हम और कोई गाय बैल बकरा मुर्गा कुछ नहीं अडॉप्ट कर रहे, मे बी मुर्गे कुछ जो लोग बचाते हैं, क्योंकि अभी हमने एक कूप बनाना है जिसमें सारे मुर्गे इकट्ठे रह सकें। एक पपी को जिसे हमने नूरपुर से रेस्क्यू किया था और दूसरा जिसे हमने छतरी से रेस्क्यू किया था, दोनों के ही अगली टांगों में फ्रैक्चर होने की संभावना थी, इसी वजह से हमने दोनों को पालमपुर हॉस्पिटल भेजा था एक्सरे कराने के लिए, तो एक्सरे रिपोर्ट से पता चला है कि दोनों के ही अगली टांग में फ्रैक्चर है और उन्होंने सर्जरी की डेट भी दे दी है,
तो अब कल वो पालमपुर जाएंगे सर्जरी के लिए। मनु जो हमारा बैल है, हमारे पास करीबन 2 महीने पहले आया था, उसकी सिंग टूटी हुई थी। हमने उसकी डेली ड्रेसिंग की है, उसे एंटीबायोटिक्स पे भी रखा है हमने, जिससे उसका वूंड ठीक हो गया था। तो अब हम इसे रिलीज कर पा रहे हैं। रिलीज करने के पहले हमने उसके हॉर्न पे जिंक ऑक्साइड का एक मिक्सचर लगाया है। ये केवल एक प्रिवेंटिव मेजर है ताकि बाहर जाने के बाद उस पे मक्खियां बैठने के या फिर मैगेट वूंड होने के कोई भी चांसेस ना हो। सलोनी कहाँ जा रहा है? मैं घर जा रही हूँ, 15 दिन के बाद आऊंगी। चलो बाय गुरु। बाय 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 सलोनी। डब्बू जिसे हमने छतड़ी से उसके डॉग बाइट की वजह से रेस्क्यू किया था, कुछ दिन बाद उसे यहाँ पे पार्वो का इशू भी शुरू हो गया था। लेकिन क्योंकि वो इनिशियल स्टेज पे ही था, इसलिए 3 दिन के ट्रीटमेंट के बाद ही पपी पूरी तरीके से ठीक हो गया। इसलिए अभी हमने उसे आफ्टर रिकवरी आइसोलेशन में रखा हुआ है। तो हमने वो एक केस नहीं लिया तुम्हारा जो पपी है जिसको अम्बिलिकल हर्निया है, मंडी से? हाँ, वो तो हर्निया अपने आप ग्रेजुअली डिसॉल्व हो जाता है ना, हो जाता है पपीज में, हो जाता है ये वाला। एक्चुअली वो केस सलोनी से मेरी बात हुई, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था बेसिकली हमने लिया क्यों, क्योंकि हमारा रेस्क्यू रेडियस और हमारा स्पेस मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग हम नहीं ले सकते थे बिल्कुल भी। तो सलोनी ने बताया कि वो जो उसकी केयर टेकर थी, उन्होंने उसको रेस्क्यू तो काफ़ी टाइम से पहले कर लिया था। उसके बाद दिक्कत ये हो रही थी कि उनके घर में खुद का भी एक डॉग था और ये जो पपी था वो भी बहुत ऐसा अटेंशन चाहिए ही पपीज़ को, और उनका डॉग बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। वो काफ़ी टाइम से दूसरी जगह ट्राई कर रही थी कि कहीं एडजस्ट करा पाए, लेकिन कहीं कुछ भी पॉसिबल नहीं हो रहा था। और वो पपी को उनको वॉशरूम में रखना पड़ रहा था, तो अब किसी इंजरी से नहीं, आपने इंजरी से नहीं। हाँ, तुम्हारे पास है अभी टाइम है? हाँ, अभी सलोनी अभी, हाँ मैंने फोन साहिल को दिया है फिलहाल कुछ देर के लिए। रेस्क्यू लाइन? हाँ। अडॉप्शन लाइन कैसे हैंडल हो रही है? अडॉप्शन लाइन हम लोग वो शाइनी और रवीना में डिवाइड करके रखा है, क्योंकि उनका खुद का भी काम रहता है। तो फर्स्ट हाफ शाइनी हैंडल करती है एंड सेकंड हाफ रवीना, एंड जो भी अपडेट होता है वो मुझे मैसेज कर देते हैं शाम तक में। हमारे 9 पपीज है ना अभी अडॉप्शन? 9 अभी एक्चुअली पपीज हमारे पास दो, एक ही है अडॉप्शन के लिए, लेकिन जो बाकी के 8 पपीज हैं हाँ वो लाइन पे अभी टाइम है उनको अभी। सूरजमुखी जिसे हमने रेत से रेस्क्यू किया था उसके डॉग बाइट की वजह से, वो एक अबैंडन्ड पेट था और काफी ज्यादा वीक भी था। ट्रीटमेंट तो उसकी अच्छे से हो चुकी थी और फाइनली रेहलू से विशाल जी ने उसे अडॉप्ट किया है और वो अब अपने फॉरएवर होम में है। हमने एक पपी और रेस्क्यू किया छतड़ी से, जिसके लिए हमें अभिषेक जी ने कॉल किया था, उसका नाम हमने टिंडा रखा है। उसको एक्सीडेंट की वजह से सामने के दोनों पैरों में काफी ज्यादा चोट लगी हुई थी। जब हमने एक्सरे कराया पालमपुर में तो वहाँ पता चला कि इसको पिनिंग सर्जरी रिक्वायर्ड है। 2 दिन बाद उसकी सर्जरी भी हो गई थी। अभी उसकी ट्रीटमेंट काफी अच्छी चल रही है और इम्प्रूवमेंट भी काफी नजर आ रहा है। साहिल को अभी मैंने अडॉप्टेबल कैनल्स का सेटअप ठीक करने के लिए बोला है ना, क्योंकि क्या हो रहा है ना, सेटअप तो सही है, थोड़ा सा लूज हो जाता है ना कई बार, तो फाइट हो जाती है। अब खजूर बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा है कैनल में, क्योंकि उसको लगभग 1 साल पूरा होने वाला है ना, तो उसका अडॉप्शन अभी पॉसिबल हो नहीं पा रहा है। और रही बात भिंडी की, तो भिंडी को भी बहुत लंबा समय हो चुका, ऑलरेडी 6 मंथ्स उसको हो चुके हैं। इनके अडॉप्शन पे ना तो कॉल्स आते हैं, इसलिए लोग फीमेल डॉग है बोल के इंटरेस्टेड ही नहीं होते ना, प्रॉब्लम ये है। मेल डॉग हो वो कैसा भी दिखे, वो कैसा भी हो बिहेवियर वाइज, लोग फिर भी ले लेते हैं, ऐसा हो जाता है। लेकिन फीमेल डॉग, अब जैसे भिंडी है प्लेफुल है, खजूर भी प्लेफुल है, खजूर का एक साइड में प्रॉब्लम यह है कि वो दूसरे डॉग्स के साथ एडजस्ट नहीं कर सकता, तो आप दूसरा डॉग अडॉप्ट नहीं कर पाओगे, बट हाँ अदरवाइज ह्यूमंस के साथ उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप लोग हमारी हेल्प करना चाहते हैं तो प्लीज खजूर के लिए और भिंडी के लिए या तो घर दीजिए या घर ढूंढिए। करीब 2 लाख लोग हमारा वीकली अपडेट देखना शुरू करते हैं, पर अंत तक सिर्फ 20,000 ही पहुंचते हैं। पर अगर ये 20,000 लोग हमारा अपडेट शेयर करें तो न जाने कितने और लाखों लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंचेगी और न जाने कितने और जानवरों की मदद करने की उनको प्रेरणा मिलेगी। या yeah?